So, hello guys, welcome to our PUBG Mobile Lite and another gameplay. तो चलिए एक बार फिर शुरुआत करते हैं अपने तड़कते भड़कते और जानदार शानदार वीडियो का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अबे टकलू, जब मेरे सब्सक्राइबर को जल्दी नहीं हो रहा तो तेरे को क्या जल्दी हो रहा है रे? तेरे को पनवेल जाना है तो चल निकल फिर। तो फिर गाइस, इस टकलू के बातों को छोड़ते हैं और आते हैं गेम प्ले पे। तो जैसा कि देख सकते थे आप लोग कि हम यहाँ उतर चुके थे सेंट्रल रोड, और यहाँ मच्छर और मक्खियों के अलावा और कौन आए ही नहीं थे। तो हम सोचते हैं कि भैया आराम से अपना लूट पाट कर ले, करके तब उसके बाद यहाँ से निकलते। तो यहाँ देखिए, हमको यहाँ पे मिल चुकी थी AKM और अब मिल चुकी थी UMP। ये दोनों बंदूक हम लेके अब चलने वाले थे। यहाँ देखिए मच्छर और मक्खियाँ केवल आए थे, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। तब पर भी हम सोचते कि थोड़ा बहुत देख ले, शायद बंदे कहीं चिपक उपक के बैठे हों, तब तक नीचे से फुस्टे पाने लगते हैं, तब तक फायरिंग की साउंड। हम कहे अरे दो बंदे कौन है भैया, बाहर निकलो तो। अरे देखे तो कौन हो भैया, कहाँ से आ रहे हो? तो ये देखते हैं तो एक सामने एक चिरकुट भैया खड़े हो के पता नहीं किसको कब्बा मार रहे होते। हम कहे चलो बेटा, चलो बेटा अब सीधे परलोक में जाके चाय की चुस्कियाँ लेना, यहाँ से निकलो तुम लिनेट ग्रेट। अच्छा, हमको एक बात समझ में नहीं आती कि इस बंदे लोग मतलब कहाँ से ऐसे नाम रखते हैं, मतलब किस डिक्शनरी में से। वो डिक्शनरी हमें भी बताओ भाई। अच्छा छोड़ते उस बातों को, देखे नीचे से आ रहे थे एक बंदे के फुटस्टेप ना। हम कहे कौन हो भैया, कितना देर से खटर पुटर किए हुए। हम आते नीचे देखते तो ये रहते। हम कहे का भैया क्या कर रहे हो यहाँ पे, आए तब तक ही पिछवाड़े में जाने लगते। हम कहे अरे अरे का भैया का हुआ भैया, चलो मेटाडोर निकलो अपने घर पे भैया, इनको तुरंत मारते हैं। तो इनके पास रहती है AKM, तो AKM के इनके बुलेट्स हम उठा लेते हैं। कहे भैया हमारे AKM में तो बुलेट्स थी नहीं, तो हम इनके AKM के बुलेट्स उठा के अपनी लूटपाट कंप्लीट करके यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से उतना दूर से हम पैदल चल के आते, मतलब समझ रहे हो कितनी मेहनत। आटा पिसाने जाओ तो पैदल, दुकान जाओ तो पैदल, स्कूल जाओ तो पैदल, मतलब जिंदगी भर पैदल चलने आए हैं काम यहाँ। अब देखिए ऊपर एक बंदा रहता जो कबड्डी से कैंप करके बैठा रहता था, हम उनको यहाँ खिड़की में से झांक रहे होते कि भैया आओ तो हम तुमको बजाई दें। अब इनको देख रहे हैं, लौकी नहीं रहे होते तब तक उधर से बुलेट की साउंड आती है, तब तक ये प्रकट हो जाते हैं। हमें कहा भैया कैसा हो, ठीक उक हो, चलो निकलो सीधे लॉबी जाओ, लॉबी में जाके चाय की चुस्कियाँ लेना और बताना चाय कैसी बनी थी ना, तो हम पीने नहीं आएंगे, ठीक, बाय बाय टाटा। तो आप देखें इनको हम बाय बाय टाटा करके थोड़ा सा इसको बिस्को खोल के देख रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए गाड़ी गड्डी वड्डी खड़ी थी, तो हम देखे भैया कि इधर उधर से बुलेट का साउंड भी आ रहा था। हम कहे का भैया कौन भैया फाइट कर रहा है, तो यहाँ पे चल रहा था बिच्छू और ईगल गैंग में फाइट चल रही थी। अब देखिए ना इस फाइट में हम कैसे थर्ड पार्टी करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे ईगल गैंग और बिच्छू गैंग तो भिड़ रहे थे, तो हम सोचे भैया अब हम अपनी गाड़ियाँ लेके चलेंगे, सबको एक साइड से इचका पिचकू करते हुए हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं भैया, उस गाड़ी को इस गाड़ी से चेंज करते हैं UAG से, और फिर इस UAG को लेके चल देते हैं उधर। क्या है कि इधर से आ रहे थे बहुत खटर बिटर की साउंड में, यहाँ आप पे हम आते हैं थर्ड पार्टी करने। अब देखें यहाँ पे घुसते तो एक भैया तो हमको लौक जाते हैं। हम कहा भैया ठीक ठाक भाई हलचल से भी, हम सोचते हैं इनको पिचकियाँ कर दे, लेकिन ये बच गए। हम कहे वाह बेटे मौज कर दी तूने, तो हम अपना ये बहुत फायरिंग करने लगते हैं। तो हम अपना गाड़ी जिगजैग में घुमाने लगते हैं कि करो भैया तुम फायरिंग, देखते हैं कितने बड़े तुम सुरमा हो। तो हम फिर घुमा के जाते हैं कि एक बार फिर हम इनको पिचकियाँ कर देंगे, तब तक एक घर के बगल में घुस जाते हैं। तो हम फिर आते हैं यहाँ से खूब दूर से गाड़ी वाड़ी घुमा के, यहाँ से लेकर हम दोबारा जाने लगते हैं कि अब देखें तो फिर पिचकियाँ कर देंगे, लेकिन ये फिर छुप जाते हैं और हमको फायरिंग करने लगते हैं। हम कहें कहा भैया, और इतनी सेटिंग की फायरिंग थी, मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब हमारे गाड़ी को एक रुपये का भी डैमेज नहीं पड़ रहा था, बट हमको जो भयंकर डैमेज देख रहे, मतलब फुल हेल्थ से हाफ हेल्थ कर दिए भैया, इतना भयंकर डैमेज दे रहे थे, मतलब समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे देखे इनको पूरा क्या करते कि गाड़ी वाड़ी रोक लेते कि भैया यहाँ से हम इनको लथेड़ेंगे, लेकिन ये हमको यहाँ से कुछ मिलू ला नहीं था। तो हम कहे छोड़ो भैया ये सब, अब चलते हैं डायरेक्ट रश करेंगे, जो होगा तो देखा जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधे अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधे ये ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। हम कहे रुको बेटा आ रहे, रुक जाओ, इनको ले जाके हम अपनी गाड़ी धाँ ऐसे ठोकते हैं, लेकिन कुछ होता तो है नहीं, ये बच गए थे। और अपनी AKM निकालते तो हमको फायरिंग देने लगते, फिर तुरंत गायब हो जाते हैं। ये जो फुल पत्ता बना दिया है ना PUBG ने, कहने का बात नहीं। तो हम इसमें आ जाते हैं इस वाले कमरे में, हम कहे भैया
कहाँ हो तुम, दिखो तो। अब इधर जाते तो पीछे से गोलियाँ चलती, लेकिन दिख नहीं रहते, यहाँ खड़े होते तब पीछे से गोलियाँ चलती। तो हम कहे अच्छा तुम हो क्या बेटा, चलो निकलो लल्ला। इनको हम तुरंत हम इनको टपका के और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ब्रिज के नीचे आके हम यहाँ पे फर्स्ट एड मारने लगते हैं, कहा कि भैया बंदा को लड़ना है तो फर्स्ट एड तो मार के रखना होगा, नहीं तो बंदा तो हमको तुरंत टपकाई के निकल लेगा। तो हम इसीलिए हम खटखट अपना पहले AK रिलोड करते हैं और फर्स्ट एड हम मार नहीं पाते। हम कहते पहले इसको मारो, इस तब्बा का खटर खटूर रेट है किया हुआ है। हम इनको तुरंत मार वार के इनका पेटी लूटने आते हैं और इनके पेटी में खट खट एनर्जी एनर्जी ड्रिंक दो तीन तो पड़ा रहता है। लूट लाट के तुरंत हम अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। हम कहे अब आओ भैया कौन हो। और देखिए मतलब कुछ बंदे होते हैं ना जो कहते हैं कि गाड़ी में मत बैठो ये वो। तो देखिए गाड़ी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर चिकन डिनर, ठीक। तब देखें यहाँ पे दो लोग अपना बिस्तरा लगा होगा कि सूत के पता नहीं कौन फाइटिंग ले रहे होते हैं। एक को हम कुचल देते तब वो इनको बुद्धि नहीं आता, ये भी सूत के फाइटिंग ले रहे हैं। हम कहे अच्छा बच गए, रुको दोबारा आ रहे हैं दोबारा आ रहे हैं। तब तक ही दोबारा इनको बुद्धि आ जाती है, इनके दिमाग में का भूसा खत्म हो जाता है और ये तुरंत खड़े होकर घुस जाते हैं घर में। हम कहे अच्छा बेटा तब रुको, अब हमको लगता है अब हमको उतरना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आते तो यहाँ पर भी एक बंदा रहता है। हम कहे अच्छा भैया तुम क्या कर रहे हो भैया यहाँ पे। हम इनको घुसते तुरंत 5-6 गोली का डैमेज देते हैं और तब तक ये भागने लगते हैं। हम कहे चलो बेटा निकलो, अब भागने से कुछ नहीं होगा। तब तक पता नहीं कहाँ से 2-3 लोग हमको गोली चलाने लगते हैं, हमको पूरे स्पॉट हो जाते हैं बंदे। अब देखिए ना अब यहाँ पे होने वाली है बहुत भयंकर लड़ाई, क्या बोले मजाक होने वाला है, ठीक है। अब आपको आने वाला है मज़ा, क्या है कि देखिए अब यहाँ पे बचे रहते बस हम और एक बंदा और यहाँ पे उस बंदे को करना रहता है हील बैटल, समझ रहे हो, मतलब हील बैटल करना रहता है। मेरे पास देख ही रहे हो कि आप लोग अभी एक हेल्थ किट मार ली, यानी बची रहती है केवल एक हेल्थ किट। जून इतना छोटा हो गया फूस के पा रहे होते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि बंदा है छत पे, लेकिन बंदे का आप देख रहे हैं मतलब जून के बाहर है ना, तब पर भी उसको हील बैटल अभी भी उसको करना है। तो हम यहाँ पे अपने AKM की धार लेके यहाँ से हम सोचते भैया यहाँ से TPP लेके हम उसको देखेंगे, अगर वो जो भी है छत पर से आएगा नहीं, वो आएगा जब भी होगा नीचे से कूद के आएगा। तो हम यहाँ आते तो यहाँ पे एक आख हेल्थ किट पड़ी हुई, तो हेल्थ किट उठाते हैं लेकिन उठती नहीं है। तो हम कहते भैया बाहर में जाओ, जोन का कौन डैमेज लेने जाएगा, यहाँ कोने में आके बैठो, बंदा आएगा तो तुरंत पुटपुटा देंगे। बंदे का फूस टेपा रहे बट बंदा नहीं आ रहा था, तो हमको तो समझ में आ चुका था भैया ये पक्का मूड में है कि हील बैटल करेंगे। हम कहे चलो बेटा तुम जब दिखोगे तब तुमको तोड़ेंगे, तो दिख तो रहे नहीं होते हैं। तो हम सोचते हैं क्या हुआ भैया इनको, अब इनको लगता है जा हम ही मर जाएंगे, का ही अटैक वटैक भी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास केवल एक का हेल्थ किट है। आई कहीं से छुप के आराम से इनको मतलब डैमेज तो नहीं पड़ रहा था, क्या कि इतना देर तक अगर जोन का डैमेज पड़ता ना तो बंदा तुरंत का तुरंत ख़त्म हो जाता, समझ रहे हो मतलब आप। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अपना AKM लगे फिर TPP नहीं आओगे, अब आएंगे। इनके फुटस्टेप एकदम बंद हो गए, यानी कि कहीं एक जगह बैठ के आराम से हेल्थ किट मार रहे थे। तो हम कहे भैया आप देखा जोन उतना छोटा, अब एट है ना बैठा जवन हुई तो हम देखा जाए, हम शांति से यहीं पे आराम से बैठ जाते हैं। और हम अपना दोनों साइड देखने लगते हैं कि भैया कौन साइड से आएंगे, कि छत पे होंगे तो क्या सीढ़ी से आएंगे, का हम यहाँ पे बैठे हैं और ये जानते क्या बैठे रहे हैं, ठीक मेरे ऊपर जो सीढ़ी है ना उस पर बैठे रहते हैं, वहाँ से बैठे रहते हैं, सीधे ऊपर से रेस नहीं करते, आते नीचे से। हम तुरंत का पट 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 सारी AKM के बुलेट इनके अंदर उतार देते हैं और उतार के एक से स्वीट सा अच्छा सा प्यारा सा चिकन डिनर निकाल लेते हैं। अब इसी बात पे मिलते हैं हम आपसे इन अनदर गेम प्ले, तब तक आप मेरी जो हम मतलब मौज कर रहे हैं कि जिसमें हमको चिकन डिनर मिला आप वो देखते रहिए। तो टाटा बाय बाय माशाल्लाह खुदा हाफिज़, मिलते हैं हम आपसे एक अनदर गेम प्ले में।